हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं फिर से आ जाऊँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल है गाइस, और रॉयल रंबल में कई बड़े रेसलरों के रिटर्न भी होते हैं। तो इसलिए गाइस, आज हम ये देखेंगे कि WWE फैंस रॉयल रंबल में किस किस का रिटर्न देखना चाहते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए गाइस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धाकड़ वीडियो। नंबर वन, रैंडी ओटन। तो जैसा कि आपको याद ही होगा कि रैंडी ओटन अपनी बैक इंजरी के चलते WWE से कुछ समय के लिए चले गए हैं, और WWE से ऐसी न्यूज़ भी सुनने को आई थी कि रैंडी ओटन की बैक इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और इसलिए रैंडी ओटन अभी मेडिकली क्लियर नहीं हो पाए कि WWE में वो कब वापस आएंगे। और इसलिए कुछ फैंसों को ये भी लगता है कि ओटन 2023 में भी वापस नहीं आएंगे। पर रैंडी ओटन पूरी तरीके से कब ठीक हो पाएंगे ये तो सिर्फ WWE की मेडिकल टीम ही बता सकती है गाइस। पर गाइस, कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि रॉयल रंबल में इस साल रैंडी ओटन वापस आ जाए। पर क्या आप रैंडी ओटन का रिटर्न रॉयल रंबल 2023 में देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं गाइस। नंबर टू, दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रूड्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, जब कोडी रूड्स रिटर्न आए थे WWE के अंदर तो उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा था, और यहाँ तक कि जब वो हैनला सेल में काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड थे उसके बावजूद भी उन्होंने वो मैच नहीं हारा था। तो गाइस, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोडी रूड इस साल रॉयल रंबल में रिटर्न आए, और हो सकता है कि वो रॉयल रंबल भी जीत जाए। तो आपको क्या लगता है गाइस, कोडी रूड इस साल रॉयल रंबल में रिटर्न आएंगे या नहीं, कमेंट करके बताएं। नंबर थ्री, CM Punk। तो भले ही गाइस CM Punk अभी AEW के सुपरस्टार हैं, पर काफी समय से Punk AEW में भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि CM Punk AEW में रिटर्न आकर अपने फैंसों को काफी ज्यादा खुश कर दिया था, क्योंकि गाइस उनके फैन उनको दोबारा से रेसलिंग करता हुआ देखना चाहते थे। पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि CM Punk AEW में भी काफी समय से नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए गाइस ऐसा हो सकता है कि CM Punk AEW से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद WWE में रिटर्न आ जाए अगले साल के रॉयल रंबल में। तो गाइस, आप भी उनका रिटर्न देखना चाहते हो रॉयल रंबल में या नहीं, कमेंट करके बताएं गाइस। नंबर फोर, तो सबसे बड़ा रिटर्न रॉयल रंबल में दी पीपल्स चैंप रॉक का भी हो सकता है गाइस, क्योंकि ये व्यूमर तो हम 2 साल से सुन रहे हैं गाइस कि रोमन रेंज के साथ दी रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में, और वो भी चैंपियनशिप के लिए, कि लोगों को ये पता चल पाए कि असली ट्राइबल चीफ कौन है, रोमन रेंज या दी रॉक। तो अगर दी रॉक इस साल रॉयल रंबल में रिटर्न आ जाते हैं और वो मैच जीत जाते हैं तो वो सीधा रोमन रेंज को चैलेंज कर सकते हैं रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैंस रॉयल रंबल में दी रॉक का रिटर्न जरूर से देखना चाहते हैं गाइस। और गाइस, अगर आप भी देखना चाहते हो दी रॉक का रिटर्न इस साल रॉयल रंबल में तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। तो गाइस, आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन जरूर से दबा लेना गाइस। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।